हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टॉप रैंक में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको रूपकुंड झील उत्तराखंड, यह एक नरकंकालों वाली झील है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप टॉप रैंक के प्रति प्रेम दिखाते हुए इसे सब्सक्राइब करें। यदि आप एडवेंचर ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो रूपकुंड झील आपके लिए बेहतरीन जगह है। रूपकुंड झील हिमालय के ग्लेशियरों के गर्मियों में पिघलने से उत्तराखंड के पहाड़ों में बनने वाली छोटी सी झील है। यह झील 5029 मीटर अर्थात 16499 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फ के ग्लेशियर हैं। यहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम है, इसलिए यह जगह एडवेंचर ट्रैकिंग करने वालों की पसंदीदा जगह है। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नरकंकालों के कारण काफी चर्चित है। यहाँ पर गर्मियों में बर्फ पिघलने के साथ ही कहीं पर भी नरकंकाल दिखाई देना आम बात है। यहाँ तक कि झील के अंदर देखने पर भी तलहटी में भी नरकंकाल पड़े दिखाई देते हैं। यहाँ पर सबसे पहला नरकंकाल 1942 में एक रेंजर HK माधवल द्वारा खोजा गया था। तब से अब तक यहाँ पर सैकड़ों नरकंकाल मिल चुके हैं, जिसमें हर उम्र व लिंग के कंकाल शामिल हैं। यहाँ पर नेशनल ज्योग्राफिकल टीम द्वारा भी एक अभियान चलाया गया था, जिसमें उन्हें 30 से ज्यादा नरकंकाल मिले थे। यहाँ पर इतने सारे नरकंकाल आए कैसे, इसके बारे में 3 अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। ओलो की एक भयंकर बारिश 1942 में हुए एक रिसर्च से हड्डियों के इस राज पर थोड़ी रोशनी पड़ सकती है। रिसर्चर्स के अनुसार ट्रैकर्स का एक ग्रुप यहां हुई ओलावृष्टि में फंस गया, जिसमें सभी की अचानक और दर्दनाक मौत हो गई। हड्डियों के एक्सरे और अन्य टेस्ट से में पाया गया कि हड्डियों में दरारें पड़ी हुई थी, जिससे पता चलता है कि कम से कम क्रिकेट की बॉल की साइज के बराबर ओले रहे होंगे। वहां कम से कम 35 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं था और सिर छुपाने की जगह भी नहीं थी। आंकड़ों के आधार पर माना जा सकता है कि यह घटना 850 AD के आसपास की ही रही होगी। रास्ता भटकते सैनिक। एक दूसरी किंवदंती के मुताबिक तिब्बत में 1841 में हुए युद्ध के दौरान सैनिकों का एक समूह इस मुश्किल रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन वो रास्ता भटक गए और खो गए और कभी मिले नहीं। हालांकि यह एक फिल्मी प्लॉट जैसा लगता है, पर यहां मिलने वाली हड्डियों के बारे में यह कथा खूब प्रचलित है। नंदा देवी का प्रकोप। अगर स्थानीय लोगों के माने तो उनके अनुसार एक बार एक राजा जिसका नाम जस धावल था, नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकला। उसको संतान की प्राप्ति होने वाली थी, इसलिए वो देवी के दर्शन करना चाहता था। स्थानीय पंडितों ने राजा को इतने भव्य समारोह के साथ देवी दर्शन जाने को मना किया। जैसा कि तय था, इस तरह के जोर शोर और दिखावे वाले समारोह से देवी नाराज हो गई और सबको मौत के घाट उतार दिया। राजा, उसकी रानी और आने वाली संतान को सभी के साथ खत्म कर दिया गया। मिले अवशेषों में कुछ चूड़ियां और अन्य गहने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि समूह में महिलाएं भी मौजूद थी। तो अगर आप सुपरनेचुरल और देवी देवताओं में विश्वास करते हैं तो इस कहानी को मान सकते हैं। अपने साथ किसी स्थानीय व्यक्ति को ले जाइए और रात के समय यह कहानी उसे सुनाइए, आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप वीडियो को लाइक करना वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद।